साथियों, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। ये बताइए तुम डाकू हो कि डकुआइन हो? रेशमा डाकू। ओ रेशमा डाकू, लगती भी हो तुम रेशमा डाकू। क्यों नहीं। अरे तेरा क्या नाम है? सोलह सिंह। क्या नाम है? सोलह सिंह। अरे हम तुमको सत्रह सिंह बना देंगे। सर खड़े हो जाओ। रेशमा डाकू बोलिए, तुम जानती हो कि अपने सरदार डाकू माधव सिंह काली माँ के मंदिर पूजा करने गए थे, और काफी समय हो गया है अभी तक सरदार जी आए नहीं है। क्यों नहीं? अपनी अपनी बंदूकें और गन में गोली भर के तैयार रखो, सिर्फ घोड़ा दबाने का काम रहे, और अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ, सरदार जी का आने का इंतजार करते। क्यों नहीं? आइए। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जीना है मुझको शान से, घर की अभिमान कोई मार दूंगा जान से। इतनी ताकत दी है परमात्मा ने इन चुस्त बाजू में, अरे मैं चाहूँ तो तौल डालू जमी आत्मा को बाजू में, जमी से अर्श से आजम तक, जमी से अर्श से आजम तक जुनूने शौक रखता हूँ, चले बौछार की गोली नहीं मरने से डरता हूँ, डरता हूँ। साथियों कहिए सरदार, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ चंबल, जय माँ चंबल। हीरा सिंह कहिए सरदार जी, आज मैं माँ भवानी के मंदिर पूजा करने के लिए गया था। हाँ। पूजा किया और वापस आया तो गेट पर क्या देखता हूँ? क्या देखते हो? एसपी लाखन सिंह पूरी फोर्स के साथ जंगल की काबिंग कर रहा है। फिर मैं क्या करता, पकड़ा जाता, फिर वापस भागता हुआ मंदिर में पहुंचा और सीढ़ियों से ऊपरी चोटी पर चढ़ गया। जब तक कि वह मुझे समझ पाता, माधव सिंह बहती हुई नदी में छलांग लगा दिया। फिर क्या हुआ सरदार जी? तैरता हुआ नदी के उस पार निकला और यूपी एमपी छोड़कर जालौन की जंगलों में आ बसा। अब यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। साथियों मेरी बात को सुनो। कहिए। तो ये बेतवा गंगा चंबल की घाटी में है, बेतवा की घाटी में है, अपने बचने के रास्ते निकालूंगा मैं, कुछ न कर सकती है अब यहाँ की पुलिस, बेधड़क चल के डाके को डालूंगा मैं। न कर सकती है अब यहाँ की पुलिस, बेधड़क चल के डाके को डालूंगा मैं। साथियों यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है, हम चैन की नींद सोएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। लेकिन हीरा सिंह कहिए सरदार जी, मुझे एक बात याद आया। कौन सी बात? आज से 20 वर्ष पहले हमारा काफिला चंबल की इन चट्टानों से गुजरता हुआ आ रहा था, तो अचानक एक 8 साल का बच्चा मुझे रोता नजर आया रे। रोता नजर आया, मैं पहुंचा और घोड़ा वहीं पे रोक दिया। उसके बाद वो बच्चा मेरा पैर पकड़ कर गिरगिराने लगा, रोने लगा, मुसीबत का मारा परेशान
मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, वो अपनी सारी कहानी मुझे बताया, वो दर्द भरी कहानी आज याद करता हूँ तो माधव सिंह का खून खौल जाता है। वो कौन सी दर्द भरी कहानी सरदार जी? लेकिन हीरा सिंह, एक डाकू अपने बच्चे को डाकू के अलावा बना ही क्या सकता है। मैं उसे उठाया, घोड़े पर बिठाया, परवरिश किया, आज वो बच्चा 20-22 वर्ष का हो चुका है। आज उसे बुलाएंगे, देखेंगे मेरा बेटा क्या करता है। साथियों, उसके बचपन का नाम भानु प्रताप सिंह था। मैंने उसका नाम क्या रखा? क्या रखा? भैरव सिंह। भैरव सिंह आज चंबल घाटियों में भैरव सिंह के नाम से वो मशहूर है। पुलिस चप्पे चप्पे में खोज करती है लेकिन पता नहीं लगा सकी रे। आओ भैरव सिंह का बैठ कर हम इंतजार करते हैं। आइए। साथियों, जय मां काली कहो, जय मां काली, जय मां काली कहो, जय मां काली कहो। क्योंकि हम काल के पुजारी हैं, इसीलिए हम काली को पूजते हैं। साथियों, मेरे नामौजूदगी में अड्डे का कैसा हाल है? सरदार जी बोलो, आपके नाम मौजूदगी में ये अड्डे का समाचार ठीक था, लेकिन एक बात की परेशानी है। कौन सी परेशानी है? जब आप और बड़े सरदार अड्डे पर नहीं रहते हैं, हम ये तीन लोग रहते तो हम लोग की फुस फुस किया तो क्या है, हम लोग निशाना अंते लगाते, गोली अंते जाती है। एक शेर के चट्टानों में रहकर एक शार का तेरे बात करते हो क्यों? क्या करे सरदार जी, तुम्हें मालूम नहीं ये अड्डा किसका है? किसका है? ये अड्डा डाकू भैरव सिंह का है। भैरव सिंह, भैरव सिंह, जिस गली से गुजरता हूँ उस गली की धूल उड़ जाती है। लोग कांपते हैं सिर्फ मेरे नाम से। और जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं। भैरव सिंह नाम है मेरा, शेर मुझसे दहलता है। भैरव सिंह नाम है मेरा, शेर मुझसे दहलता है। आग का गोला भी बाजू मेरे बच के निकलता है। पुलिस वाले, पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, पुलिस वाले मेरे आगे, मेरे आगे दहलते हैं। महाजन की रकम तिजोरी मेरे अड्डे पे मिलती है। महाजन शोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। लोगों के छक्के छूट जाते डाकू भैरव सिंह के नाम से। शेर अगर गुर रहा है तो, अरे शेर अगर गुर रहा है तो आंखें निकालू, पर्दा जमी का भार के पानी निकालू। साथियों, तुम्हें कहानी बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, समय आने पर बताऊंगा। आओ सरदार जी को लेते हैं
और चलते हैं दूसरे अड्डे के, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस का चप्पा चप्पा हम लोगों को छान रहा है, छान रहा है। लेकिन आज तक भैरव सिंह को पुलिस ने पकड़ नहीं। आओ चलते हैं, चलो आओ आइए। सरदार जी पुलिस आ रहे हैं, पुलिस, सरदार जी पुलिस आ रहे हैं, भागो 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 भागो, पुलिस भागो। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पुलिस की आवाज नहीं है, ये तो ये पुलिस की आवाज नहीं है, कोई लड़की बोल रही है। हाँ आओ, हम लोग डाकू हैं, इसकी मदद करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी, आओ आगे बढ़ो और उस दुश्मन से सामना करो, चलो चलो। शैतान वरना इस बंदूक से साले ले लूं तेरी जान। गया बे कौन तू आ गया, अरे बोलो क्या है नाम, और सब सब बतलाइए कहां है तेरा। कौन हो, क्या चाहते हो? तुझे मालूम नहीं कि हम लोग कौन हैं? शायद तू आग का अंधा है, इसीलिए तुझे दिखाई नहीं देता है। मेरी तरफ देख कि मैं कौन हूँ, और शायद तुझे कभी मर्दों से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए तू औरतों को ढाल बनाता है। क्यों? और शायद तुम्हें भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हारे पैरों के नीचे से मिट्टी खसक जाएगी। वाह बहुत अच्छे, इतना भारी नाम है। जो आज तक जिस जमी पर चलता हूँ वो जमी हिलने लगती है। आ तू उसी से कहता है कि तेरे नीचे की जमी हिल जाएगी। अगर सुनो, तुम लोग मेरा कहना मानो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना कट। अरे शेरा सिंह इन खिलौनों से बचपन से खेलता आया है बरकुरदार। वाह कह दो ये अपने पालतू कुत्तों से कि अपना अपना हथियार फेंक दे, वरना तुम्हारी खोपड़िया आसमान में उड़ती नजर आएगी। साथियों अपना अपना हथियार नीचे रख। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। अरे खिलौना से मैं बचपन से खेलता आया हूँ। वाह बोलो कहा था तुम्हारा राम नाम सत्य कर दे इसी जगह। वो तो हो जाएगा, वो समय आने पर पता चल जाएगा किसका राम नाम सत्य होगा। समय किसी को इंतजार नहीं करता बरकुरदार। शेरा सिंह नाम है मेरा, दुश्मनों को मिटाना काम है मेरा। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरे हथियार छीन लिए, लेकिन तुम इतना गलत काम क्यों करते हो कि पुलिस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। पुलिस? हाँ कहाँ पुलिस? अबे पीछे देख अपने काला, हम लोगों को कुत्ता बोलता साले, इतनी गोली मारूंगा ना छेद बहुत होंगे। आप कैसा लगा मेरा स्टाइल? अच्छा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा खेल। बहुत पुराने खिलाड़ी लगते हो क्या? हाँ लेकिन ये बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी? दुश्मनी तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या है, लेकिन मैं जितना पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब देना, क्योंकि मुझे ज्यादा पूछने की आदत नहीं है। क्या पूछना चाहते हो? सुनो हीरा सिंह, ये लो गौर से सुनना। बोलिए बोलिए। अब रहते हो तुम कहां पर? यानी मेरा नाम और पता पूछना चाहते हो? हाँ। अब रहते हो तुम कहां पर, क्या नाम है तुम्हारा, रहते हो तुम कहां पर? रहते हो तुम
आदमी क्या काम है तुम्हारा, किसी के हो तुम ये आदमी। इतना ही पूछना चाहता हूँ। बताता हूँ, तुम मेरा नाम और बता जानना चाहते हो? हाँ। सुनिएगा जरा गौर से। बोलो। और रहता हूँ विजयपुर में, चौंक गए नाम सुनते ही चौंक गए क्यों? और रहता हूँ विजयपुर में, शेरा नाम है हमारा, रहता हूँ उदय सिंह का, उदय प्रताप सिंह का पालतू कुत्ता। देखो उत्ता कुत्ता ना बनाओ। हाँ, यहाँ पे सिर्फ भैरव सिंह की हुकूमत चलती है। भैरव सिंह वो क्या कर रहा है? तुम लोग हो कौन? तुम जानना चाहते हो कि हम लोग कौन है? तो सुनो, हम लोग झाटू है। कौन है हम लोग? हम लोग डाकू हैं। हाँ, डाकू हैं हम लोग। लेकिन शक्ल से झाटू लगते हो ना? अरे लगते हैं, लेकिन है तो हम डाकू। क्या चाहते हो? तुमने क्या कहा था कि मेरा नाम सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी? शेरा सिंह, अगर तू मेरा नाम सुनेगा तो हो सकता है तो 2 फुट जमीन के अंदर दफन हो जाए। तुम्हारा तो नाम सुन चुका हूँ, डाकू भैरव सिंह। बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। तुम विजयपुर में रहते हो क्या? है तो फिर विजयपुर रियासत की कहानी भी जानती हो? अरे जब रहता हूँ तो क्या नहीं जानता हूँ। तो बताओ, विजयपुर रियासत में किसका राज चलता है? ये सब पूछ से क्या करोगे? क्यों? इसका मतलब तुम विजयपुर में नहीं रहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है, पूछ क्या करोगे? विजयपुर रियासत में महाराज विजय सिंह है? वो तो नहीं है। नहीं है? क्या हुआ? उनका तो मार जा रहे हम लोग। बहुत अच्छा किया। शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो वही करता जो तुमने किया। ऐरा गहरा आदमी समझ भो ना कर, हम बहुत कतली आदमी है ना। और विजयपुर रियासत में महाराज विजय सिंह के दरबार में उनका सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह। हाँ, इस समय कहाँ है वो? उसका भी हम लोगों ने कत्ल कर दिया। बहुत अच्छा किया शेरा सिंह, क्योंकि मेरी भी दुश्मनी वीर बहादुर विक्रम सिंह से थी। अरे एक दिन कत्ल है, हम लोग 10-20 कत्ल करते हैं। और तुमने कत्ल कर दिया? क्या नहीं, कहाँ पर कत्ल किया था? किस जगह पर कत्ल किया था? मतलब क्या है? मतलब फिर बताऊंगा क्या है। उसको लगे साले को बीच बियाबान जंगल, बियाबान जंगल में आगे आगे सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह। इच्छे तुम्हें मौका पाते साले के इसी तलवार चलाया, आज तक न कर पाए। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने जिस समय वीर बहादुर विक्रम सिंह का कत्ल किया था उनके साथ कोई था? था। कौन था? उसी वीर बहादुर विक्रम सिंह का बेटा भानु प्रताप सिंह। क्या किया उस बच्चे के साथ? उसका साले को पटक दिया। बहुत अच्छा किया। हमेशा जब भी देखो अपने छह छोटे वाले को पटकते रहना चाहिए। अरे हमारा लोगों का धंधा है। हाँ। छोटी मोटी सुपारी नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। और पटकने के बाद उस बच्चे को क्या किया? मेरा पैर पकड़ के रोने लगा। फिर कहने लगा छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो मेरे बापू को।
उसको साले को उठाकर काली पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। और वो बच्चा मर गया होगा। ये साले की हड्डी गुड्डी ना बची हुई है। बहुत अच्छा, देखो जो बताना था बता दिया, मैं चलता हूँ। ठहरो, शेरा सिंह तुमने बता दिया, मैंने सुन लिया, अब मेरी बारी है, तुम सुनोगे कि मैं कौन हूँ। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? बताइए। अलग करा फेल किया। तुमने जिस बच्चे को पहाड़ी के नीचे फेंका था, तुमने क्या सोचा बच्चा मर गया? नहीं शेरा सिंह नहीं, जिस पहाड़ी के नीचे फेंका था वो बच्चा जाकर उसी नदी में गिरा, और वो बच्चा बहते बहते जाकर चंबल घाटी पर लगा जा, जहां पर मेरे सरदार सरदार माधव सिंह ने मुझे अपनी गोद में उठाकर माँ देवी के पास ले। अरे होश आया तो चारों तरफ डाकुओं को आ देखा। कोई बात नहीं है, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में बंदूक थमा दी। शेरा सिंह, कल का भानु प्रताप आज तेरे सामने डाकू भैरव सिंह खड़ा है। भैरव सिंह खड़ा है। पहचान पहचान शेरा सिंह, पहचान मुझे। मुझे माफ कर दो भैरव सिंह, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैरव सिंह। तुझे माफ कर दूं? अरे हाथ तो मैंने भी तेरे जोड़े थे हीरा सिंह। ये सरदार, चलो अब मैं किसी को नहीं मारूंगा भैरव सिंह। और मेरा हंटर लेकर। हंटर क्या करोगे? तुम्हारे स्वागत के लिए। ये कैसा स्वागत है? ये हमारे अड्डे का नियम वसूल है। देखो ऐसा स्वागत मत करिए। लीजिए सरदार जी, 18 नंबर है ये 17 नंबर है। बहुत अच्छा। कौन सा चाहिए तुमको? यहाँ नंबर वार स्वागत होता है। सब नंबर हाँ। से। और जो आता है बिना स्वागत के उसको जाने नहीं देते हम लोग। देखो शेरा सिंह, बोलो, तूने मुझे बहुत सताया है, तूने मेरा बचपना छीन लिया। हम नहीं सताऊंगा भाई। तूने मेरी खुशियां छीन ली। और कहता अब नहीं सताऊंगा? अरे हाथ तो मैंने भी तेरे जोड़े थे शेरा सिंह। सब लोग ताली बजाएंगे, ये जितने देख रहे हैं सब लोग ताली बजाएंगे। ये सब लोग अगर ताली नहीं बजाएंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। यहाँ तक कि गंगा कैसेट वाले हमारे पुनीत शर्मा जी भी कहे ताली बजाएंगे। शेरा सिंह, तेरी शक्ल से मुझे नफरत हो गई है, तेरी शक्ल में देखना नहीं चाहता। शक्ल नहीं देखना चाहते? हाँ। तो क्या देख रहे हो? अब तेरी देख सूरत तेरा। माफ कर दो मुझे भैरव सिंह। अब तेरी देख सूरत जल तन हमारा, तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेज देखूं मेरा नजी, तेज देखूं ये मुखड़ा तुम्हारा। गोली नहीं चलाएंगे, एक गन चलाएंगे। शेरा सिंह,
तुझे मरना होगा। हमको मार के क्या फायदा पाओगे? तुमको मार के तुम्हारी किडनी बेचेंगे। तू किडनी का कब से धंधा करने लगा रे? आप लोग किडनी का भी धंधा करते हैं? हम लोग किसी गरीब की किडनी और आंख नहीं निकालते। शेरा सिंह, मैं अगर तुझे आज मार दूंगा तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। समझदार लगते हो। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। हीरो सिंह, इसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाए और इसके आंख में पट्टी बांध दिया जाए ताकि ये यहाँ का रास्ता कभी ना पा सके। अरे जब दिखाएगा नहीं तो कैसे जाएंगे? तुम्हारी पट्टियाँ खोल दी जाएंगी। लेकिन हाथ क्या बांध रहे हो? तुम नहीं जानते हो, हम लोग डाकू बहुत खतरनाक हैं। छोटा मोटा रेप नहीं, सीधा गैंग रेप करते हैं। तो साले मने का बलात्कार करते तो हो? तो फिर यहाँ चंबल घाटी में कोई मिलता ही नहीं, जो मिला उसमें मुर्गा बना है। जाओ शेरा सिंह और जाकर अपने उदय प्रताप से कह देना। तुम्हारा बाप मिला था। बाप? हाँ बाप। लेकिन उनके बाप तो खत्म हो गए, फिर से जिंदा हो गए। इसलिए बोल देना कि डाकू भैरव सिंह मिला था। बोल दूंगा। और बहुत जल्द मैं विजयपुर रियासत आऊंगा और अपने बाप का बदला चुकाऊंगा और साथ साथ विजयपुर रियासत की हवेली को शमशान बना दूंगा। जाओ। विजयपुर आ जाओगे? हाँ आऊंगा। कोई बात नहीं, आना। जाओ। चले। बचा लिया है, कहां की रहने वाली है और आपका नाम क्या है और साथ साथ ये शेरा सिंह तुम्हारा पीछा करते करते यहां कैसे आ गए? भैया, हाँ, अगर पूछते हो तो मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी। बताओ। हे मेरे भाई, मैं इसी विजयपुर राज की रहने वाली हूँ और मुझे लोग चंपक से नाम से पुकारते हैं। अच्छा। मुझे लोग चंपा के नाम से पुकारते हैं। हाँ। भैया, एक दिन की बात है, उस उदय प्रताप सिंह ने और शेरा सिंह ने मिलकर हमारे पिता यानी मेरे महाराज को जहर देकर उन हरामजादों ने मार दिया। भैया क्या, महाराज को भी मार दिया? उसके बाद में हुआ क्या कि उनको मारने के बाद शाही खजाने का नक्शा मुझसे मांगता था और नक्शा देने से मैंने इनकार कर दी। मेरे इनकार करते ही उन हराम जादू ने मेरे पति को जान से मार दिया। दौड़ते भागते हुए जंगल की तरफ आई, अगर आप नहीं होते तो मुझे जान से मार देता। भैया खड़ी हो जा, तुमने मुझे भैया कहा है और धर्म का भाई माना है तो यह डाकू भैरव सिंह आज से तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता है। क्या? हाँ। मुझे अपनी बहन मानते हो? हाँ। और सुनो, इतना ही नहीं, आज के बाद तुम चिंता नहीं करोगी
अब कहा मुझको भाई तू है मेरी बहना, कहा मुझको भाई तू है मेरी बहना, मेरे साथ में अब पड़े तुझको रहना, कहा मुझको भाई तू है मेरी बहना। कभी भी नहीं दुख ये पाओगी बहना, कभी भी नहीं दुख ये पाओगी बहना, नया कौन से आंसू अपने बहाना, कहा मुझको भाई तू है मेरी बहना। खड़ी हो जाओ बहन, आज के बाद तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं इस भाई के दिल में है। जिस तरह बहन का अधिकार होता है आज के बाद तुम्हें कोई नहीं सताएगा। जब तक भैरव सिंह जिंदा है तुम्हें कोई आग दिखाने वाला नहीं। हाँ भैया, साल में 12 महीना होते हैं। हाँ, एक महीना ऐसा होता है कि बहन अपने भाई के हाथों में रखी बनती है, तो भाई खुश हो जाता है तो बहन को पता नहीं क्या से क्या दे देता है। लेकिन हे भैया, मेरे तो आज तक कोई भाई था नहीं, भगवान ने एक बहन को एक भाई से मिला दिया है। भैया भैया बढ़ाओ अपना हाथ, मैं तुम्हारे हाथों में राखी बांध देती हूँ। भैया अरे बहन चिंता मत कर, तेरे पास भाई नहीं था और भगवान ने मुझे बहन नहीं दिया, ऊपर वाले की महिमा कि आज एक बहन से मिला दिया मुझे। ये भैरव सिंह अपनी कलाई तेरी तरफ बढ़ाता है और बांध दे राखी। लेकिन भैया, हाँ, ये राखी का धागा है, इस धागे में जानते हो क्या होता है? क्या होता है? भाई बहन का प्यार बंधा होता है, और जब बहन किसी मुसीबत में फंसती है तो भाई दौड़कर आ जाता है बहन को बचाने के लिए। हे मेरे भाई, अगर मेरे पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो भैया आप दौड़ कर चले आना मेरे पास। चिंता मत कर, दुनिया की हर दीवार तोड़ कर चले आना, जमी आसमान का सीना फाड़ के चले आना भैया। ये लो। अरे भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओ देखो ये नाता भुलाना भुलाना, भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। साथियों देखो 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 बहन को क्या हुआ है, इसे बहुत जल्द अस्पताल लेकर जाओ।
जाओ जाओ।